है और अब बात लाठी डंडों तक पहुंच गई है। मुझे याद आता है मायावती का वो स्टेटमेंट जब वो कहती हैं कि जब तक आप सत्ता में नहीं हैं, अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं तो आपकी पिटाई भी होगी। 2 अप्रैल को जिस तरह से दलितों को गोली मारी गई, अखिलेश यादव को आज इलाहाबाद नहीं जाने दिया गया और धर्मेंद्र यादव पर डंडा लाठी चली है, उनका सर फट गया, इस तरह की रिपोर्टें आ रही। तो आप समझ लीजिए कि अब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर, खासकर OBC के लोगों पर भी अब डंडे चलने लगे, तो UP में क्या होगा। मेरे साथ तमाम युवा छात्र जुड़े हुए हैं जो बहुजन समाज से और UP भवन पर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए हैं। दिलीप जी, अब आगे का रास्ता क्या होगा? देखिए, जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को एक DM ने हाथ पकड़ के रोका है, वो बहुत ही अलोकतांत्रिक है, बहुत ही निंदनीय है। दूसरी घटना जो होती है वो इलाहाबाद में जब धर्मेंद्र जी प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठी चलाई जाती है योगी सरकार की पुलिस के द्वारा, और उनके जो तथाकथित BJP के गुंडे द्वारा उनका सर फोड़ दिया जाता है। तो एक रास्ता ये हमारे लिए बचता है। अभी तक क्या जानकारी है, मतलब पुलिस के डंडे से घायल हुए हैं या BJP के कार्यकर्ताओं ने हमला किया? देखिए, BJP के कार्यकर्ता और पुलिस दोनों ही थे, तो उन लोगों ने आपस में मेल ABBP BJP और इन्हीं के कार्यकर्ता पुलिस के साथ मिल के धर्मेंद्र जी पर अटैक किए हैं, बहुत तमाम छात्र नेताओं पर अटैक किए हैं, जिसमें धर्मेंद्र जी को चोट आई हुई है और अखिलेश जी को वहाँ एयरपोर्ट पर, लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका गया। इसकी हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं उत्तर प्रदेश भवन पर, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत के तुरंत DM SP को लखनऊ को हटाया जाए और DM SP को क्या लग रहा है, अधिकारियों की इतनी हिम्मत है या ये राजनीतिक सह पे किया जा रहा है? देखिए, ये तो गठबंधन जिस दिन से हुआ है, ED का CBI का छापा पड़ रहा है, चाहे वो अखिलेश जी हों चाहे मायावती जी हों, इन पर जिस प्रकार से गठबंधन को दबाने के लिए ये लोग कर रहे हैं, तो उसमें BJP की सह है। मोदी अमित शाह इस समय पूरी तरह से डर गए हैं, और योगी जी तो 2.5 आदमी है, मतलब जो 2.5 आदमी का स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, वो एक अमित शाह जी हैं, एक मोदी जी हैं और एक आदित्यनाथ जी है, ही देश को चला रहे हैं। ये लड़ाई राजनीतिक है, अब कैसे लड़ेंगे इसको आप? ये लड़ाई बिल्कुल राजनीतिक है, और ये लड़ाई हम लोग जमीन पर उतार के इनको 80 सीट को जीत के इनको 0 पे जब तक उत्तर प्रदेश में नहीं लाएंगे तब तक हम जमीन पर संघर्ष करते रहेंगे और इनके खिलाफ बिगुल फूंकते रहेंगे। क्या लगता है दिलीप, आप JNU के छात्र हैं, इस देश में प्रदर्शन करने का भी अधिकार कांग्रेस BJP लेफ्ट सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों को ही है? नहीं, देखिए, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक अलोकतांत्रिक तरीके से एक छात्र संघ उद्घाटन में जा रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनको जाने देना चाहिए था, उसमें क्या बुराई थी? लॉ एंड ऑर्डर क्या बुरा होता है वहाँ पर? वो जाते छात्रों के बीच में अपनी बात रखते, छात्रों को संबोधित करते, छात्रों को बताते कि किस प्रकार से देश में ये लोकतंत्र को खतरा है, किस प्रकार से यूथ को मोबिलाइज होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए, लालू यादव को जेल, अखिलेश यादव के बंगले का शुद्धिकरण और अब डंडे से पिटाई, इशारा काफ़ी है बहुजनों को समझने के लिए, नहीं समझेंगे तो देर हो जाएगी। और भी कुछ छात्र, क्या नाम है साहब? रमेश यादव। क्या करते हैं यादव जी? हम तो UP से। अब डर लग रहा है अखिलेश जी पर हाथ छूट रहा है? अब डर, ये गठबंधन जब से हुआ है तो BJP तो पूरा एकदम भाई सत्ता का दुरुपयोग तो कर ही रही है, अपने सत्ता के जब से गठबंधन हुआ है, ये है UP में अखिलेश और बहन जी का, दोनों लोगों का कुटी चल पक रही है, BJP वहाँ से साफ होने वाली है। दिलीप, ये गठबंधन और मजबूत होगा इस डंडे की चोट से? बिल्कुल होगा, मायावती जी का ट्वीट आ गया है, मायावती जी ने इस घटना को कंडम किया हुआ है, वो दोनों नेता संपर्क में है, जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके से BJP बढ़ रही है। क्या कहा BSP सुप्रीमो ने? BSP सुप्रीमो ने बोला है कि इस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को इलाहाबाद नहीं जाने देना, एक अलोकतांत्रिक घटना है, इसको नहीं होना चाहिए था, और कंडम किया है उन्होंने। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर राजा राम है, मैं JNU से रिसर्च कर रहा हूँ। आप क्या लग रहा है इसे, पोलिटिकल बैटल और सोशल बैटल बोथ? ये पोलिटिकल बैटल तो है ही और सोशल बैटल ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग बहुजन राजनीति जो भी है, जैसे गठबंधन उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का हुआ है, उससे ये लोग काफ़ी बौखलाए हुए हैं और फ्रस्ट्रेट हैं। तो अब हमारे नेताओं को समझ आ जानी चाहिए। बिल्कुल, अब ये अंतिम वक्त है जब हमारे नेताओं को, हमारे लोगों को समझ आ जाना चाहिए और रोड पे आ जाना चाहिए, जिस तरह से हमारे नेताओं को। एक्सक्लूसिव वीडियो अभी नेशनल दस्तक पे दिखाऊंगा, धर्मेंद्र यादव के साथ क्या हुआ है। क्या नाम है सर? अभी नहीं आया। क्या लग रहा है आप, क्या है ये लड़ाई? ये लड़ाई जो 30-point रोस्टर के अगेंस्ट चल रही थी, जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव जी उठा रहे थे, उसके बाद से इनको लगने लगा है कि जिस तरीके से वो हमारी दलितों बहुजनों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उससे ये लोग खुशियाए हुए थे, और माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इलाहाबाद ग्राउंड पर भी बहुजन सपा बसपा का अलायंस दिख रहा था, असर दिख रहा था, दिखने लगा है। यादव दलित की लड़ाई बंद हो गई है, यादवों दलित की लड़ाई बंद हुई है और लगातार लोग एक साथ समाजवादी और बसपा का झंडा लिए हुए लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बार, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बार, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमेशा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बार, समाजवादियों पे हमला नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, समाजवादियों पे हमला नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। तो देखिए इस रहे हैं और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यूपी भवन का एक पूरा नज़ारा है। क्या है भाई अब क्या रास्ता बच रहा है, आप लोग तो स्टूडेंट हैं। रास्ता जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है इस तरह से हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, या वो या तो नेता हो या संवैधानिक संस्था हो, हर चीज़ को बीजेपी सरकार पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है। तो हमारे लोग ये SC ST OBC के लोग डर जाते हैं क्या? हाय 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 हाय, अभी भी आपको पता होगा कि SC ST हाय हाय हाय, जो 2 अप्रैल को चला था लोग जेल में गए, उनका आज ये हाल है कि वो आज भी वहीं पड़े हुए हैं। तो हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम करने को तो कर लेते हैं, वो सिस्टम जो पूरा बैठा हुआ है इनका, वो हमें वो काम करने से भी रोकता है, हमारे अपने जो मूलभूत हक है उसके खिलाफ उसके लिए लड़ने से क्या कहेंगे आप इस लाठीचार्ज पर, क्या कहेंगे इस पॉलिटिकल बैटल धर्मेंद्र यादव पे क्यों लाठी चलाई, अरे लाठी गोली की नहीं चलेगी अब की बार, समाजवादियों पे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बार, योगी तुम जवाब नहीं रख पाए कहीं, चाहे पुलिस प्रशासन का दबाव हो चाहे CBI का दबाव हो, इस तरह के दबाव डाल करके जो सोशल जस्टिस के लिए लड़ाई चल रही है, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर की बात हो चाहे इस तरह का जो भी माइनॉरिटी के लिए बात की जा रही हो, इस तरह की चीज़ों को सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह का डंडा अपना रही है। क्या कहेगा प्रोफेसर साहब? देखिए शंभू जी, मैं आपसे एक बात बहुत साफ तरीके से बताना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों ने सामाजिक न्याय की बात की इधर हाल के कुछ वर्षों में, उनको सरकार द्वारा यातना दी गई, पिटाई की गई। अभी हाल में आप पटना में शांतिपूर्ण प्रदर्शन माननीय कुशवाहा जी कर रहे थे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, उनके भी बहुत बुरी तरीके से वाले मुद्दे बराबर सदन में आक्रामक रूप रखे हैं, आक्रोश से बात किया और उनका दिल था कि आज 13 पॉइंट पोस्टर फिलहाल फिल वक्त के लिए टल गया और इस तरह से हमला होना बैकवर्ड दलित सांसदों पर निंदनीय है और चिंतनीय है। दूसरी बात, ऐसी हालात आपातकाल में नहीं हुई थी कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को एक दारोगा पिस्टल दिखाता हूँ, आपको न्यूज आप पढ़े होंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री को एक दारोगा जो है वो पिस्टल दिखा, ये जाति दम जो जाति दम है जिसे राम नरेश जी को कहा गया था कि राम नरेश कुर्सी छोड़ो और लाठी पकड़ो है चला, और इस तरह के ये लोग चाह रहे हैं कि हम मनोस्मृति को फिर से लागू करें और हम लोग की ये नैतिक जिम्मेदारी है, इसके लिए जो जहाँ भी है उसके लिए लड़े और अपने समाज को जागरूक बनाने की कोशिश। ये सूचना हमारे पास नहीं है लेकिन इनके जो तौर तरीके हैं, जिस प्रकार से अखिलेश जी को रोका गया है, धर्मेंद्र जी पर लाठी चलाई गई, तो जरूर इन लोगों ने दिखाया होगा और ये लोग इसी प्रकार के थॉट में बिलीव करते हैं, इसी विचारधारा के लोग हैं, RSS से पोषित हैं ये लोग, RSS देश चला रही है, तो ये लोग एक माइंडसेट से हैं जो जातिवादी मानसिकता है इनकी, जो नहीं चाहते कि देश में पिछड़े दलित आदिवासी समुदाय मुस्लिम समुदाय शासन में आए, इसलिए इन लोगों को डराना चाहते हैं।